गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के A30 के बारे में। सैमसंग के A30 आप यूज करते हैं तो इस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग A30 में जो अपडेट्स मिल रहा है, एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट्स के देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं आप सभी के सामने नया खुला है, नया सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है और ये सिक्योरिटी डिवाइस अपडेट है जो कि कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर अपडेट्स में आपको इंक्लूड बहुत से लिमिटेड चीज़ ही देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको बग्स फिक्स देखने को मिल जाएंगे। और ये सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल रहा है ये 203 MB का है और ये अपडेट आपको 1 अप्रैल 2021 का पुराना ही अपडेट दिख रहा है। लेकिन ऐसा पता नहीं लास्ट सिक्योरिटी अपडेट देखने क्या मिला था और इस पर पता ना रिवर्स अपडेट दिखा रहा है पूरी तरह। और इस अपडेट को मैं कर रहा हूँ, देखते हैं अपडेट करने के बाद पूरी तरह क्या हो जाता है पूरा टोटल से, फिर उसके बाद डिटेल्स में हम पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा अपडेट है पूरी तरह डाउनलोड हो रहा है। इस अपडेट को होने के बाद पूरी तरफ चल जाएगा डिटेल लास्ट अपडेट। वैसे तो ये अब लास्ट अपडेट देखे थे सितंबर महीने का था और इस सब काफ़ी लोएस्ट और काफ़ी अच्छी इसका पीछे अपडेट देखने को मिल रहा है। क्या आपके स्मार्टफोन में भी ऐसा देखने को मिला है कमेंट्स करके बताइएगा। और मैं यहाँ यूर फोन रिस्टार्ट आफ्टर अपडेट इंस्टॉल देख सकते हैं और ये इसको देखने को मिलेगा। इंस्टॉल नाउ मैं कर देता हूँ, आप सभी के सामने प्रिपरेशन हो रहा है। आइए देख सकते हैं ये रिस्टार्ट हो रहा है, मोन आपको रिस्टार्ट देखते हुए लग रहा होगा। और थोड़ा मैं बाहर वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि ये अपडेट हो जाएगा। फ़ोन तो पूरी तरह काफ़ी ज़्यादा हैंग भी करता था और यही कुछ अपडेट थे। अब देखते हैं अपडेट होने के बाद किस तरह से इसके फीचर्स देखने को मिल जाते हैं।